आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण पहले से ही देशवासियों पर पड़ रही महंगाई की मार अब और भी ज्यादा पड़ने वाली है। इस युद्ध की वजह से शेयर बाजार धड़ाम हो गया है और कच्चे तेल के भाव आसमान पर जा पहुंचे। रूस यूक्रेन भले ही भारत से हजारों मील दूर हो, लेकिन दोनों देशों के बीच युद्ध सीधे तौर पर भारतीयों की जेब पर असर डालेगा, यानी देशवासियों को महंगाई की मार के लिए तैयार रहना होगा। आपको बताएं कि भारत तेल से लेकर जरूरी इलेक्ट्रिक सामान और मशीनरी के साथ साथ मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य गैजेट्स के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर है। अधिकतर मोबाइल और गैजेट का आयात चीन और अन्य पूर्व एशिया के शहरों से होता है और अधिकतर कारोबार डॉलर में होता है। युद्ध के हालातों में अगर रुपए में इसी तरह गिरावट जारी रही तो देश में आयात महंगा हो जाएगा। विदेशों से आयात होने के कारण इनकी कीमतों में इजाफा तय है, मतलब मोबाइल और अन्य गैजेट्स पर महंगाई बढ़ेगी और आपको ज्यादा खर्च करना होगा। आइए एक नजर डालते हैं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बाद भारत में किन चीजों पर पड़ेगी महंगाई की मार। इन चीजों के बढ़ेंगे दाम। पेट्रोल, डीजल, CNG, रसोई गैस, सब्जी, फल, खाने का तेल, खाद, मोबाइल, लैपटॉप, गैस। आपको बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसका भुगतान भी डॉलर में होता है और डॉलर के महंगा होने से रुपया ज्यादा खर्च होगा। इससे माल ढुलाई महंगी होगी। इसके असर से हर जरूरत की चीज पर महंगाई की और मार पड़ेगी। भारत का यूक्रेन और रूस के साथ व्यापार अच्छे खासे स्तर पर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच जारी युद्ध अगर लंबा होता है तो भारत में इसके प्रभाव कुछ जरूरी चीजों पर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकते हैं। बता दें कि भारत यूक्रेन से खाने के तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीजों की खरीदारी करता है। युद्ध होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार नहीं होगा और भारत के लिए परेशानी बढ़ेगी। देखना होगा आगे भारत इन सब चुनौतियों से कैसे निपटता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर आपके और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल कच्चे तेल के बढ़ते हुए दाम और डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से महंगाई निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर ये युद्ध जल्द ही नहीं रुकता है तो निश्चित रूप से आपके और हमारी जेब पर इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। देखना होगा केंद्र सरकार इन सब चुनौतियों से कैसे निपटती है। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी, देहरादून।